हेलो बॉयज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं यामाहा सेंटर इमाद ऑटो पे। बेसिकली मैं अपना बाइक ट्यूनअप करवाने आया हूँ और यहाँ पे मैंने कहा ज़रा आपको शोरूम की कंडीशन दिखा दें। उस्ताद बहुत ज़्यादा रेट चढ़ गए हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा। यहाँ पर आबिद भाई ने ढेर लगाया था, आज बहुत कम स्टॉक खड़ा हुआ है, बहुत कम। मतलब YBR G खड़ा हुआ है और ये सादे वाला YBZ है, DX भी खड़ा हुआ है। ये DX खड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो इतने की महंगाई हो गई है। मैं यहाँ पर रेट लिस्ट देखता हूँ, मैं साइड पे लगा दूंगा, उसमें आप देख लें रेट लिस्ट कितना ज़्यादा हो गया। याद भी नहीं है कि रेट लिस्ट क्या थी। और ये YBR है, YBR भी खड़ा हुआ है इधर। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, ये लीज पे मिल रहे हैं ना ही कोई, मतलब कि आप कैश पे तो वो भी ओन चल रहा है इनके ऊपर। ठीक है, अभी देखते हैं आबिद भाई का नया स्टॉक आता है उसमें ये क्या करते हैं। खैर अभी ये सीन है कि मैं ट्यूनअप करवा रहा था, मैं ज़रा बाइक आपको दिखाता हूँ। अल्लाह खैर करेंगे यार, दुआ करेंगे मुल्क के हालात सही हों। हर जगह पे तबाही मची हुई है, रेट कहाँ पे चढ़ गए हैं कुछ समझ नहीं आ रही, रेंज से बाहर होते जा रही हैं ये बाइक्स भी। खैर बॉयज़, मैं अपना बाइक दिखाता हूँ और ये माशाल्लाह अभी मैं इसको करवाने आया हूँ ट्यूनअप। बकाया मैंने आपको जैसा बताया था ना कि मैं ऑयल चेंज किया है और उसके बाद फ़िल्टर भी चेंज कर लिया था, तो बस अब बेसिक है टैपेट चेक करवाने हैं, टाइमिंग चेंज चेक करवानी है, वो थोड़ी लूज़ वगैरह मुझे लग रही हुई भी है। और ये स्विच का पता करते हैं, अगर स्विच मिल जाए स्विच भी दिलवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। और ये आपने कब लिया बाइक? ये मैंने लिया यकम जून को। अच्छा अच्छा, सही है बाइक। इधर किधर आए? इधर से लिया? मैंने गुजरात से लिया। अच्छा, गुजरात से लिया था। इधर मेरी जॉब हुई है शुरू, तो फिर मैं इधर शिफ्ट हो गया। अच्छा, इधर किधर? इधर आपके वीडियोस में देखा था कि इनकी काफ़ी अच्छी सर्विस है माल ऑटो की वगैरह, तो फिर उधर से देख के फिर गूगल पे सर्च करके। अच्छा, मतलब कि आपने वीडियो देखे, कैसे लगी सर्विस इनकी? अभी तक तो माशाल्लाह बेहतरीन जा रही है। इन्हें ये बंदा ग्रेट है, मुझे काम फिट करता है। चलें, ज़बरदस्त चीज़ आपसे मिल के अच्छा लगा। कितनी देर में फ्री हो रहे हो? बस 20-25 मिनट। नहीं यार, मैंने जाना भी है वापस, मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं है। निकल जाएंगे, टाइट करो टाइट इसको। लो भाई, अभी प्लग चेक करने लगे हैं कि पेट्रोल ज़्यादा खा रहा है या कम, ये पहले चेक कर लेते हैं। पेट्रोल सही दिखाओ, गर्म तो नहीं? ओ तेरी पत्ता ही हो, बिल्कुल रेड है। ओहो, ये चेक करें जी, बिल्कुल रेड है। चलो ज़बरदस्त हो गया। फिल्टर साफ करते ना, फिल्टर वैसे नया डाला था, वो भी दो नंबर, एक नंबर दिया ही नहीं इधर। एक नंबर पड़ा हुआ है ना, वो कितने का है? कितने का? 550 रुपया। देखा जी कितनी लूज है, चेन नज़र आ रही है, ये सारी बहुत लूज है। हाँ जी, लूज है या नहीं है? टैपेट सही है? क्यों, टैपेट सही है? अच्छा, तो बॉयज अभी मैं आपको दिखा रहा था सारा सीन। मुझे ना कल की वीडियो, परसों की वीडियो याद आया, उसमें मैंने एक सीन देखकर बताया था कि मैं ले रहा हूँ सुजुकी का जिक्सन 125, और मैंने बुक करवा दिया। इतना कोई कमेंट आया कि झूठ ना बोला करो, बकवास ना किया करो, ये ना किया करो, तुम ले नहीं सकते। यार लेना ना लेना मेरा नसीब है, मेरा मतलब है। ठीक है, तो मैं एक बात बताऊँ, जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए, वो जो हाथ में लैपटॉप भी पकड़ा था ना, वो भी 2.5 लाख का, उसको बेचूँ ना तो मुझे आराम से बाइक आराम से मिल जाए। ठीक है, तो लेने ना लेने की क्या बात हुई। दूसरी बात ये, जब आएगा तो इंशाल्लाह जाके बुक करवाएंगे। और मैंने ये कहा कि सुजुकी वाले जब लीज पे देंगे तो मैं लूँगा ही लूँगा, ठीक है ना, मैंने कैश पे नहीं लेना, मैं लीज पे लूँगा। ये ही एक ज़रिया है अपने पैसे जोड़ने का, वरना आप एक रुपया भी नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना, क्योंकि आजकल जो हालात आ रहे हैं बंदा खा ही जाता है, तो ये हिसाब होता है। अभी ये सीन हो गया कि शुक्र अल्लाह का भी ट्यूनिंग होगी, ये काफ़ी बेहतरीन बाइक चल रहा था, और बस एक टाइमिंग चेंज लूज थी, बकाया ऑयलिंग की है सारे पार्ट्स के ऊपर,
और जो चीज़ दूर थी वो टाइट की है और कोई मसला नहीं था। तो ये एक था मैसेज और ट्यूनिंग इनकी अच्छी होती है ये नो डाउट। बकाया आपको कुछ काम आना चाहिए तब आप सेटिस्फेक्शन में रहेंगे। अगर आपको काम का नहीं समझ तो आप लोग फिर यही होगा कि यार आप तसल्ली नहीं होगी। एक साल हो गया मुझे यामा यूज़ करते हुए, बेहतरीन बाइक है। मैं उस टाइम के लिए तो कहता हूँ रिकमेंड करता हूँ कि बाइक अच्छा है, लेकिन आज की प्राइस के मुताबिक नॉट रिकमेंड। पता नहीं क्या क्या ला जाएंगे हमें यामा से, फील है कि इनको भी किस्तों में ले गए या रेट गिराएं, नहीं तो ये शोरूम खाली के खाली हो जाएंगे। और यही थी वीडियो, कोई भी बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत माजरत। जज़ाकअल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।